वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट क्लीनिंग माई बालकनी पॉन्ड। मेरे बालकनी पॉन्ड को जो है क्लीन करके अराउंड 20-25 डेज हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। देख सकते हो अनईटन फूड, फिश वेस्ट, वो सारा जो है नीचे कलेक्ट हो चुका है। और अमोनिया भी, अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ दोगे तो अमोनिया क्रिएट होगा और आपके फिशेज़ को अमोनिया जो है बहुत ही हार्मफुल है। जो एक बकेट लेना, उसमें जो बालकनी पॉन्ड का वाटर है वो बकेट में हाफ फिल कर लेना, ताकि आप जो फिशेस निकाल रहे हो वो उसमें डाल सके। देख सकते हो पहले मैंने सारे गपी फिशेस को निकाल लिए। आप पहले एक नेट में निकालना, फिर से बकेट में डालना, ये सारा जो है टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने पहले नेट से पकड़ के एक ग्लास में डाला है। केयरफुल रहना जब आप फिशेस को निकालोगे, क्योंकि फिशेस जो है जंप करके नीचे गिर सकते हैं। अगर आप पॉन्ड में ग्लास रखोगे तो ठीक है, अगर आप बाहर ग्लास रख के डालोगे तो बाहर गिर सकते हैं फिशेस। जिससे कि अगर वाटर में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होंगे तो वो जो है मर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने अभी गप्पी फिशेस को कलेक्ट कर लिया है। देख सकते हो अच्छे सारे फिशेस को कलेक्ट कर लेना। मैंने इसमें मोली फिश भी डाला है। मेरे पास जो ऑरेंज मोली था वो मर गया था, तो ब्लैक मोली बचा मेरे पास, तो मैंने उसको भी डाल लिया। अभी जो हमने ग्लास कंटेनर में फिशेस को कलेक्ट किया था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये फिशेस जो मैंने ग्लास कंटेनर में कलेक्ट किया है, अब इन सबको जो है जिस बकेट में हमने वाटर कलेक्ट किया था उस बकेट में डाल लेंगे। अभी नेक्स्ट मैंने जीब्रा फिशेस को भी पकड़ लिया है, पिंक जीब्रा डायनोस, उनको भी जो है मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट गौरा में फिश जो है ग्लास कंटेनर में आता नहीं है, इसलिए मैंने नेट से ही पकड़ के डाला है। मेरे पास दो गौरा में फिश है, एक ब्लू गौरा में और एक थ्री स्पॉट गौरा में। जो पिंकरा जो जेब्रा डायनोस है वो पिंक कलर के, और गप्पी फिशेज जो है वो मोजाइक गप्पीस हैं। जो पहले डाला था वो ब्लू गौरामी है, और जो अभी डाल रहा हूँ ये है थ्री स्पॉट गौरामी। गौरामी जो है थोड़ा एग्रेसिव स्पीशी होता है, तो आप मेरा पॉन्ड जो है बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने गप्पीस के साथ डाला है। अगर आप बहुत ही छोटे टैंक में गौरामीज को रखते हो तो उसके साथ गप्पी या जेब्रा डायनोस ना डालें। जो आपके टैंक में जो भी लाइफ प्लांट्स होंगे उसको भी निकाल के आप इसमें डालें, क्योंकि जब आप पाइप से क्लीन करते हो तब आपके लाइफ प्लांट्स को डैमेज हो सकता है। इस बकेट में आप 2 से 3 आवर्स के ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा फिशेस और कम वाटर है। मेरा बालकनी पॉन्ड का जब क्लीनिंग खत्म हो गया तो मैंने तुरंत उसको शिफ्ट कर दिया। पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि मैंने मेरा बालकनी पॉन्ड को कैसे अच्छे से क्लीन किया। और इस वीडियो में मैं थोड़े टिप्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप फॉलो होकर आपके बालकनी पॉन्ड को या आपके एक्वेरियम को अच्छे से क्लीन कर सकते हो और आपके फिशेस को हेल्दी रख सकते हो। ये जो मनी प्लांट का लीफ है वो मेरे बालकनी पॉन्ड का था, तो मैंने उसको भी यहाँ पर डाल दिया। और मैंने इसके ऊपर नेट के जैसे इसलिए लगाया कि अगर फिशेस गौरामी फिशेस जो है प्लेस उनके पास कम है, इसलिए वो लोग जो है जंप कर सकते हैं, इसलिए मैंने नेट लगाया। और अभी जो भी अपने डेकोरेटिव आइटम्स लगाया होगा, जैसे मैंने कलर स्टोन्स और हाइडिंग प्लेस लगाया है, उसको भी आप जो है रिमूव कर लें, क्योंकि जब आप क्लीन कर रहे हो तो जो भी पाइप होगा वो सारे जो है खींच लेगा। जैसे मैंने कलर स्टोन्स और हाइडिंग प्लेस कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके आप उसको वॉश करके रखें, ताकि जब बालकनी पॉन्ड क्लीन हो जाएगा फिर से ऐड करें। देख सकते हैं अभी एक बहुत बड़ा वाला पाइप लेना, और जो भी आपका फिश वेस्ट हो और अनईटन फूड होगा उसके पास ले जाना, ताकि जो है वो पाइप जो है खींच के वो निकाल दें। देख सकते हो मैं जैसे अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, ऐसे अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि 20-25 डेज के एक बार क्लीन करते हैं। अगर आप अच्छे से क्लीन करोगे तो नेक्स्ट टाइम जल्दी क्लीन करने का टाइम नहीं आएगा।
लास्ट कॉर्नर्स में भी ले जाना, ताकि वहां पर भी जो अनरिटर्न फूड है वो भी होता है। देख सकते हो सारा वाटर मैंने ड्रेन कर लिया। जैसे एक स्क्रबर ले लेना, जो भी एल्गे नीचे पॉन्ड में होगा उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना, रब करके क्लीन करना। देख सकते हो बहुत ही गंदा हो चुका है वाटर क्लीन करते करते। उस वाटर को सारा ड्रेन कर देना, क्योंकि थोड़ा सा भी वाटर होना नहीं चाहिए। गौरामी फिश, गप्पी फिश, जीब्रा फिश, मौली फिश, इनको 70% तक वाटर आप चेंज कर सकते हो। जो बकेट में वाटर था हम लोग उसको फिर से रिप्लेस करेंगे। पूरा वीडियो देखना, देख सकते हो ऐसे स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर लेना, ताकि जो भी नीचे एल्गे हो वो सारा निकल जाए। देख सकते हो मैंने क्लीन करके जो है पूरा वाटर निकाल लिया। फिर से एक बकेट न्यू फ्रेश वाटर लेके आप अच्छे से फिर से रब करके क्लीन करें, क्योंकि थोड़ा बहुत एल्गे बच गया था। तो उसे अच्छे से रब करोगे तो जो भी एल्गे छोटा सा पार्टिकल भी होगा वो भी निकल जाएगा, और रब का बालकनी पॉन्ड जो है नेक्स्ट टाइम क्लीन होगा। ऐसे अच्छे से रब करें, कॉर्नर्स में भी रब करें, क्योंकि कॉर्नर्स में ज़्यादा एल्गे होता है। एल्गे इसलिए आता है कि जब सनलाइट बालकनी पॉन्ड में आता है तब एल्गे जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है। अभी फर्स्ट टिप है ये कि आप कभी भी बालकनी पॉन्ड या कोई भी एक्वेरियम अगर आप क्लीन कर रहे हो तो आप कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी केमिकल ना यूज़ करें, क्योंकि वो सारे फिशेस को बहुत हार्म कर सकता है। अभी आपने अच्छे से क्लीन कर लिया तो आप अभी जो है फ्रेश वाटर फिल कर लीजिए। देख सकते हैं पहले बहुत एल्गे था पॉन्ड में, अभी देखिए कितना क्लीन हो चुका है। अभी जो है मैंने 2 डेज के पहले, जब भी आपके एक्वेरियम में बालकनी पॉन्ड क्लीन करते हो 2 डेज के पहले, एक हाफ बकेट के वाटर में 2 आलमंड लीव्स लगा के रखना, क्योंकि आलमंड लीव्स वाटर जो है फिशेस को बहुत ही बेनिफिशियल है। फिशेस को पीएच लेवल्स मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, और फिशेस को मैरी डिसीजेस से स्टॉप करता है। अभी 50 लीटर्स ऑफ वाटर में 2 लीटर्स ऑफ आलमंड लीफ वाटर यूज़ कर सकते हो। मैंने मेरा ये कुछ 200 लीटर्स का है, तो मैंने कुछ 7 से 8 लीटर्स आलमंड लीफ यूज़ किया है वाटर। अगर आप ऐसे स्टोर करना भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, आपका बालकनी पॉन्ड जब क्लीनिंग हो जाएगा तब आप आलमंड लीफ जो है वाटर में छोड़ सकते हो। जब 2 डेज के बाद जब वाटर का कलर चेंज हो जाता है ब्राउन, तब आप जो है आलमंड लीव्स निकाल के फेंक सकते हो। अभी जो लाइफ प्लांट्स है हमारे, जो हमने बकेट में डाले, जिस बकेट में फिशेस थे वो लाइफ प्लांट्स आप निकाल के फिर से रिप्लेस कर लो आपके बालकनी पॉन्ड में, क्योंकि अभी क्लीनिंग हो चुका है। अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कर दीजिए। ऐसे आप सारे फिशेस को फिर से इंट्रोड्यूस कर देना। मैं इसलिए एक्लिमेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो वाटर का टेम्परेचर और ये वाटर का टेम्परेचर सेम है। अभी जो फिशेस फिशेस आपने निकाला था, जिस वाटर में आपने फिशेस निकाला था वो वाटर आप फिर से रिप्लेस कर लें, क्योंकि 20% या 30% वाटर जो है आपको रिप्लेस कन्फर्म होना चाहिए, क्योंकि 100% वाटर चेंज आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत टाइम पे फिशेस को हार्म कर सकता है। अभी देखिए हमारा बालकनी पॉन्ड जो है रेडी हो चुका है। देख सकते हो कितने क्लीन एंड रिफ्रेश दिख रहा है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप ये बालकनी पॉन्ड के सामने बैठोगे तो बहुत ही स्ट्रेस रिलीफ भी होगा। देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको लाइव प्लांट्स और भी डालना है तो डकवीड डाल सकते हो, और एक्वाटिक शॉप्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप डाल सकते हो। इसके फिशेस की बात करें तो इसमें मोली फिशेस हैं, गप्पी हैं, गौरामी है, जीब्रा फिशेस हैं। यही था वीडियो कि मैंने बालकनी पॉन्ड को मैंने कैसे क्लीन किया। मैं 25 डेज से 30 डेज के एक बार क्लीन करता हूँ,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी सब्सक्राइब करें, 100 के पास है तो 100 करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।